आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। एशियाड में सोने पे सुहागा। 19वें एशियाई खेलों का दूसरा दिन भारत के लिए स्वर्णिम रहा। निशानेबाजी की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारतीय तिगड़ी ने अद्भुत प्रदर्शन करते हुए विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार क्रिकेट में गोल्ड जीत सोने पर सुहागा कर दिया। जोशीमठ में क्षमता से ज़्यादा भार अब ना हो, भारी निर्माण। तो चमोली जिले के जोशीमठ में भूदशाओं पर सामने आए वैज्ञानिक संस्थानों की रिपोर्ट में कहा गया कि जोशीमठ पहले ही अपनी क्षमता से अधिक भार उठा रहा है, ऐसे में यहां नए भारी निर्माण न किए जाएं। रिपोर्ट में पूरी जोशीमठ के धंसने की आशंका को नगण्य करार दिया गया है। साथ ही प्रभावित क्षेत्र की लगातार निगरानी और विस्तृत भूवैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। उत्तरकाशी में आया 3 तीव्रता का भूकंप। तो जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में सोमवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3 मापी गई। आपदा प्रबंधक केंद्र के अनुसार सुबह 8:35 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र मोरी ब्लॉक के कोठीगाड़ रेंज में हिमाचल की सीमा से लगे क्षेत्र में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। बाल देखभाल बाल दत्तक ग्रहण अवकाश दिया जाएगा। तो प्रदेश सरकार ने विभागों और आउटसोर्स माध्यम से संविदा तथर्थ और नियत वेतन वाले महिला और एकल पुरुष कर्मियों को 15 दिन का बाल देखभाल और 120 दिनों की सीमा में बाल दत्तक ग्रहण अवकाश मिलेगा। साथ ही ऐसे सभी एकल पुरुष कर्मियों को 15 दिन का पैतृक अवकाश मिलेगा जिनके पहले एक ही बच्चा हो। शुरू हुई पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस। तो देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को दिल्ली में इस बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य के ढांचे को नई ऊंचाइयां देने के लिए सीएम धामी ने भरी उड़ान। तो उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य की ढांचागत सुविधाओं को मजबूती देने का खाका खींचा है। इससे मूर्त रूप देने के लिए न सिर्फ देश के बड़े औद्योगिक समूह बल्कि विदेशी निवेश जुटाने के लिए वहां के बड़े घरानों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। धर्म के नाम पर बच्चे से दुर्व्यवहार गलत। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यदि धर्म के नाम पर एक समुदाय विशेष के छात्र को दंडित किया जाता है तो यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के स्कूल में शिक्षिका द्वारा कथित तौर पर समुदाय विशेष के एक छात्र को सहपाठियों से पिटवाने के मामले को लेकर यह टिप्पणी की। वायुसेना में शामिल हुआ पहला C-295 विमान। तो वायुसेना के बेड़े में सोमवार को पहला C-95 मालवाहक विमान शामिल हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंडन वायुसेना स्टेशन पर सर्वधर्म पूजा के बाद इसे वायुसेना को सौंपा। स्कूलों में पानी शौचालय न होना बच्चों के संवैधानिक अधिकारों का हनन। तो हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में शौचालय और पानी की व्यवस्था न होने को बच्चों के संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि प्रदेश में कितने स्कूल हैं जिनमें शौचालय व पेयजल सुविधा है, उनकी देख रेख में कितना बजट दिया जाता है, स्कूलों में अभिभावक संघ का गठन हुआ है या नहीं, 2 हफ्ते के भीतर शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को अवगत कराएं। प्रमोशन के लिए घूस मांगने में सहायक निदेशक सस्पेंड। तो शासन ने सहायक निदेशक संस्कृति वीरेंद्र नारायण सिंह को निलंबित कर दिया। प्रमोशन के बदले रिश्वत मांगने का आरोप पुष्ट होने के बाद सचिव संस्कृति ने निलंबन के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड में 30 नवंबर तक गड्ढा मुक्त होंगी सड़कें। तो उत्तराखंड में बारिश से खराब हुई सड़कों का 30 नवंबर तक गड्ढा मुक्त किया जाएगा। पर मुख्य सचिव राधा रतुड़ी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कांग्रेस की कोशिशों से गरीबों को फायदा। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को बिलासपुर में एक सभा के दौरान रिमोट दिखाते हुए कहा कि जब भी उनकी पार्टी इसे दबाती है गरीबों को फायदा होता है, लेकिन जब भाजपा ऐसा करती है तो अडानी को बंदरगाह, रेलवे का ठेका और हवाई अड्डे मिल जाते हैं।
एशियन गेम्स में भारत का स्वर्णिम सोमवार रहा। जहां काटा जाएगा गला वहां निवेश कैसे होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल और जयपुर में की जनसभाएं। मानसून से खराब सड़कें 30 नवंबर तक गड्ढा मुक्त हों, कल से चक्का जाम की चेतावनी, बैठक आज। तो विभिन्न मांगों को लेकर के रोडवेज कर्मचारियों ने 27 की रात 11 बजे से चक्का जाम की चेतावनी दी है। शिक्षक भी कल से शुरू करेंगे आंदोलन, तो राजकीय शिक्षा संघ ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मांगों पर सहमति के बाद भी उन पर अमल न होने पर नाराजगी जताते हुए बुधवार से प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। पहले दिन 27 को बाजू में काली पट्टी बांधकर बच्चों को पढ़ाएंगे। डॉक्टर धन सिंह रावत आज से 3 जिलों का दौरा करेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत 26 सितंबर से गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के 3 जिलों का दौरा कर आयुष्मान भव अभियान को धार देंगे। छात्रावास में खाली पदों पर खेल प्रशिक्षकों की आउटसोर्स से तैनाती, तो प्रदेश के छात्रावासों में खाली पदों पर खेल प्रशिक्षकों की आउटसोर्स से तैनाती होगी। परिवहन निगम कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा, तो परिवहन निगम के अधिकारियों कर्मचारियों संविदा आउटसोर्स विशेष श्रेणी चालकों परिचालकों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ गया है। 1305 लाभार्थियों को दी गई घर की सौगात, तो आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेश में 1305 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत आवास प्रपत्र बांटे। 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 1 घंटे श्रमदान अभियान। 100 निकायों की ओबीसी रिपोर्ट आई, 4 की बाकी है। दून में आंगनबाड़ी वर्करों का हल्ला बोल, तो मानदेय में वृद्धि समेत विभिन्न मांगे उठाई, लंबित मुद्दों के समाधान को लेकर के दिखाए सख्त तेवर। तो आंगनबाड़ी वर्करों ने सोमवार को मानदेय में वृद्धि समेत तमाम लंबित मांगों को लेकर के परेड ग्राउंड से सीएम आवास कूच किया। हालांकि पुलिस ने केंद्रीय विद्यालय के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारी महिलाओं को आगे जाने से रोक दिया। इसके बाद उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज से व्यापारियों का संपर्क अभियान रहेगा। दोस्ती से इनकार करने पर 17 साल की नाबालिग के साथ दुराचार, तो दोस्ती से इनकार करने पर तिल मिलाए एक युवक ने नाबालिग लड़की को डरा धमका कर दुष्कर्म किया। आरोपी ने इसकी वीडियो बना डाली। SOPD भट्ट के अनुसार गड़ी कैंट थाना क्षेत्र की एक महिला ने तहरीर दी। उनकी 17 वर्षीय बेटी से जावेद निवासी आमवाला ने दोस्ती करने की कोशिश की, इससे इनकार करने पर आरोपी ने 19 सितंबर को उनकी बेटी को फ़ोन किया। आरोप है कि परिजनों को जान से मारने की धमकी देते हुए उसने बेटी को रात 11 बजे घर के बाहर बुलाया। वह बाहर निकली तो आरोपी अपनी बाइक पर बैठाकर प्रेमनगर स्थित अपने भाई की दुकान पर ले गया, वहां दुष्कर्म के साथ ही वीडियो भी बनाई। इसके बाद दोबारा डराया और धमकाया। लड़की 22 सितंबर की रात 8 सहेली के घर निरंजनपुर जा रही थी, तभी उसका रास्ता रोककर आरोपी जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की के विरोध के दौरान आसपास के लोग मौके पर जमा हुए और उन्होंने आरोपी को ढूंढ दिया। कांग्रेस शुरू से ही महिला आरक्षण के पक्ष में, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका सिंह ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही महिला आरक्षण के पक्ष में रही है। कार खाई में गिरी दून के व्यक्ति समेत 2 की मौत। नैनबाग तहसील के अंतर्गत दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर मरोड़ पास एक कार यमुना नदी के किनारे मिली, कार में 2 लोग मृत मिले। बताया जा रहा है कि शनिवार रात से कार सवारों से परिजनों का संपर्क कट गया था। लाल कुआं में अमोनिया रिसने से 2 लोग गंभीर, तो नैनताल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ की लाल कुआं स्थित मुख्य दुग्धशाला के चिलर प्लांट में रविवार रात अमोनिया गैस के रिसाव से 2 कर्मचारियों की हालत बिगड़ गई। CUET के बिना मेरिट लिस्ट जारी, तो DAV PG कॉलेज में CUET के बिना स्नातक प्रथम सेमेस्टर की पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके साथ ही मंगलवार से BA, BSc और BCom में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होंगे। उदयमान खिलाड़ियों का चयन 30 तक, तो खेल मंत्री रेखा आर्या ने 30 सितंबर तक उदयमान खिलाड़ी योजना के तहत खिलाड़ियों का चयन पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गणित के छात्रों के लिए बनेगा विशेष कोर्स। सीएम पहुंचे लंदन, पहला अंतर्राष्ट्रीय रोड शो आज, तो उत्तराखंडियों ने किया सीएम का स्वागत। ब्लास्टिंग निर्माण की समस्या NDMA ले जाएं।
अब सभी उपभोक्ताओं को मिलेगी ग्रीन एनर्जी। नैनीताल अमोनिया का रिसाव होने से दो की हालत बिगड़ी। खाई में पड़ी कार से दो लोगों के शव मिले, तो 22 को यमुनोत्री धाम निकले थे दोनों, उसके बाद नहीं रिसीव हो रही थी कॉल। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सज रहा है पिथौरागढ़। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर के पिथौरागढ़ सजने और संवरने लगा है। सड़कों में डामीकरण के अलावा पेंटिंग आदि का कार्य किया जा रहा है। प्रशासन की बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 और 12 अक्टूबर को प्रस्तावित दौरे को लेकर के प्रशासन सक्रिय हो रहा है। कांग्रेस आई तो संशोधन के साथ लागू करेंगे बिल। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका सिंह ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के भाजपा की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा ने राजनीतिक लाभ के लिए संसद के दोनों सदनों में बिल तो पास करवा लिया, लेकिन इसका लाभ देश की महिलाओं को 2039 से पहले नहीं मिल पाएगा। मुंडन पर हल्की बयानबाजी कर रहे भरसा और चंडी देवी के भूस्खलन क्षेत्रों का विशेषज्ञों ने किया सर्वे। मुस्लिम युवक से शादी की जिद पर अड़ी युवती, तो लोहाघाट से खबर है। बाराकोट ब्लॉक के एक गांव की युवती मुस्लिम युवक से शादी की जिद पर अड़ गई। युवती के पिता ने थाने में तहरीर देकर बेटी को बहला फुसलाकर प्यार के जाल में फंसाने का आरोप लगाते हुए भगा ले जाने का अंदेशा भी जताया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की काउंसलिंग कर घर भेज दिया। लोहाघाट पुलिस के अनुसार युवती 18 वर्ष की है। पिता ने सोमवार को तहरीर देकर कहा कि उनकी बेटी रविवार को अचानक गायब हो गई थी। काफ़ी खोजने के बाद देर रात उसका पता चला। पिता का कहना है कि चंपावत में रहने वाले मुस्लिम युवक ने उनकी बेटी को इंस्टाग्राम से अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। बेटी उससे शादी करने की जिद पर अड़ी हुई है। रविवार को लड़के वाले उसे देखने आए थे, लेकिन शादी से इनकार कर घर से गायब हो गई। मुस्लिम युवक 3-4 बार उसके क्षेत्र में आकर बेटी से मिला है। वह कभी भी उसे भगाकर ले जा सकता है। डरा धमकाकर किशोरी से किया दुष्कर्म गिरफ्तार, तो अश्लील वीडियो बनाकर फिर से संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगा। गृह मंत्री दून में पुलिस अधिकारियों को पढ़ाएंगे पुलिसिंग पार्ट। लारवा मिलने पर प्रतिष्ठान व स्कूलों पर जुर्माना, तो डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम और प्रशासन को प्रतिष्ठानों व स्कूलों का सहयोग नहीं मिल रहा है। बिना बताए शुरू किया काम, लगा घंटों जाम। तो आईएसबीटी में 15 दिन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 15 दिन तक निरंजनपुर की ओर से आईएसबीटी जाने वाली सर्विस रोड बंद रहेगी। 28 को बंद रहेंगी मीट मछली की दुकानें। तो अनंत चतुर्दशी के मौके पर प्रदेश भर में मीट मछली की दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में अल्पसंख्यक आयोग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। YouTube में तैयार होंगी कैंसर की दवा। मसूरी में सुधारीकरण कार्य से लगा जाम। आईएसबीटी के पास 100 झुग्गी झोपड़ी हटाई। डेंगू मरीज 900 पार, 47 लोग अस्पतालों में भर्ती हुए। 13 घरों और 2 स्कूलों में मिला डेंगू का लार्वा। असमंजस कौन कराएगा पुलिस भर्ती, तो 1550 सिपाहियों की होनी है भर्ती। PHU से 4 माह पहले भेजा जा चुका प्रस्ताव, तो पहले योगी त्रिपालसी ने कराई थी परीक्षा, अब शासन को लेना है निर्णय। तो पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती कराने के लिए पुलिस ने तो तैयारी कर ली है, लेकिन भर्ती कौन सा आयोग कराएगा इस पर अभी शासन ने निर्णय नहीं लिया है। जबकि पुलिस मुख्यालय की ओर से 1550 पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इससे पहले लोकसभा आयोग UKPSC ने कांस्टेबल भर्ती कराई थी। अब अधीन सेवा चयन आयोग UKPSC की व्यवस्थाएं भी पटरी पर लौट आई हैं। ऐसे में अब शासन को ही फैसला करना है कि भर्ती का जिम्मा किस आयोग को दिया जाएगा। दरअसल पिछले साल UKPSC की ओर से कराई गई तमाम भर्तियों पर सवाल उठे थे। एक के बाद एक भर्ती में धांधली की बात सामने आने लगी। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। कुछ पूर्व अधिकारी भी पुलिस के चंगुल में आए, जबकि पिछले साल उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में पेंडिंग चली आ रही कांस्टेबल भर्ती को UK PSC से न कराकर UKPSC से कराया गया। इसके अलावा प्रदेश में अन्य पदों पर भर्ती का काम भी लोक सेवा आयोग को दिया गया, जबकि लोक सेवा आयोग राजपत्रित अधिकारियों के पदों के लिए ही भर्ती कराता है।
पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1550 पुलिस सिपाहियों की भर्ती कराने की घोषणा की थी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने भी प्रस्ताव शासन को भेज दिया था। गढ़वाल विश्वविद्यालय अक्टूबर में हो सकते हैं छात्र संघ चुनाव। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिड़ला परिसर श्रीनगर में छात्र संघ चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव को लेकर के मुख्य चुनाव अधिकारी के पद पर प्रोफेसर ओके बेलवाल की नियुक्ति कर दी है। अब चुनाव अधिकारी टीम बनाकर चुनावी प्रक्रिया शुरू करेगी। उम्मीद है कि अक्टूबर में चुनाव होंगे। 3 विश्वविद्यालय के नहीं आए रिजल्ट, चुनाव में फंसे। प्रतियोगिता के लिए 2 स्कूलों का चयन हुआ। DAV में आज से शुरू होंगे प्रवेश की प्रक्रिया। PM मोदी के संवाद करेंगे दून विश्वविद्यालय के छात्र फैकल्टी। युवा उत्सव में छात्रों ने दिखाया हुनर। एशियन गेम्स के लिए आदित्य का चयन हुआ। स्लोगन में अच्छी तो पोस्टर में आयुष को मिला खिताब। खेल प्रशिक्षकों की होगी आउटसोर्स से तैनाती। तो खेल व युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश। नहीं आए विश्वविद्यालय के रिजल्ट, अटके छात्र संघ चुनाव। रुड़की सीनियर ने जूनियर को हराया। कॉलेज में 75% उपस्थिति है जरूरी। तो महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज सतीकुंड कनखल में BA प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए इंडक्शन मीट 2023-24 का आयोजन किया गया। युवा उत्सव में प्रदेश भर के छात्रों ने दिखाया हुनर। हरिद्वार और उधमसिंह नगर के 1305 लाभार्थियों को PM आवास मिला। छात्रवृत्ति के लिए 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से चयन। तो खेल मंत्री ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा की। उत्तराखंड की 7 झीलें वेटलैंड घोषित हुई। शिक्षा का अधिकार के तहत पढ़ रहे छात्रों की होगी निगरानी। आउटसोर्स कर्मचारी को भी मिलेगा पितृत्व और बाल देखभाल अवकाश। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो OSSSC में 378 रेडियोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। UKPSC में 137 समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 33 यंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती निकली है, तो इसके लिए अभ्यर्थी 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं रेलवे में 3100 से ज़्यादा अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है। इसको सहायक लेखागार को लेकर के, सहायक लेखागार परीक्षा को लेकर के विज्ञप्ति जारी की है। तो इसमें दिया गया है कि सहायक लेखागार राष्ट्रीय बजट निदेशालय में कुल 1 पद पर विज्ञापित किया गया था। इसमें दिनांक 5 सितंबर 2023 के क्रम में सहायक लेखागार राष्ट्रीय बचत निदेशालय में कुल 1 पद पर सहायक लेखागार परीक्षा 2022 की मूल विज्ञापन दिनांक 28/10/2022 से पृथक करते हुए निरस्त कर दिया गया है। नशा और रंजिश बन रहे हत्या की वजह। तो 9 महीने में हो चुकी है 29 लोगों की हत्या। तो जिले में हत्याओं का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। आपसी रंजिश, नशा और प्रेम प्रसंग हत्याओं की वजह बन रहा है। पिछले 9 महीने में 29 हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन लगातार हो रही हत्याएं पुलिस के लिए भी चुनौती बनी हुई हैं। चारों कॉलेजों में मेरिट के आधार पर आज से प्रवेश। तो DAV, DBS, MKP और श्री गुरु राम राय PG कॉलेज में स्नातक की 3904 सीटें हैं रिक्त। कैंट करले में खुला अभ्यास केंद्र पंचकर्म भी हुआ शुरू। PM आज दून विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों से करेंगे संवाद। महिला होमगार्ड भर्ती टिहरी जिले का परिणाम जारी। तो प्रदेश के 10 जिलों में 320 पदों पर चल रही महिला होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती प्रक्रिया के बाद विभाग ने सोमवार को टिहरी जिले का भर्ती परिणाम जारी कर दिया। इसके अलावा जनपद पौड़ी, चमोली एवं उत्तरकाशी का परीक्षाफल 27 सितंबर को घोषित किया जाएगा। उधम सिंह नगर व बागेश्वर जिले में भर्ती प्रक्रिया भी गतिमान है। तो यहाँ देखें परिणाम। तो महिला होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती परीक्षा एवं परिणाम संबंधी किसी भी जानकारी के लिए होमगार्ड विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.nishkamhgcd.uk.gov.in इस पर जाकर के अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सीता नहीं, 50 साल बाद दशरथ का किरदार निभाएंगे बचेंद्र। ऐसे कैसे सुधरेगी रैंकिंग, सड़क और घरों से समय पर नहीं उठ रहा है कूड़ा। 2000 का नोट बदलने के लिए अब 5 दिन बाकी हैं। तो 30 सितंबर के बाद 2000 का नोट न तो बैंक में जमा होगा न ही बदला जाएगा। दून अस्पताल को मिला अवार्ड। हॉस्टल के छात्रों और इंटर्न्स डॉक्टर के बीच मारपीट हुई।
युवाओं को रोजगार देगी 35 कंपनियां। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत एल्युमिनियम मीट हुई। दीनदयाल उपाध्याय को याद कर दी श्रद्धांजलि। पटेल नगर में गणेश महोत्सव पर हुए भजन संध्या। खतरे की जद में नदी के क्षेत्र में बना रायपुर थाना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया सीएम आवास को, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। युवती का अश्लील वीडियो वायरल किया, मुकदमा दर्ज हुआ। 5 ओटी के लिए सिर्फ एक नर्स है। किशोरी से दुष्कर्म कर वीडियो बनाया, रास्ते में की मारपीट। नशा तस्करों पर शिकंजा, 17 की हिस्ट्री सीटर खोली गई, क्यों ना हो घाटा, निगम को हो रहा है नुकसान। 1305 लाभार्थियों को दी गई घरों की सौगात। मानसून से खराब सड़कें 30 नवंबर तक गड्ढा मुक्त हों। शिक्षकों का कल से शुरू होगा आंदोलन। रोडवेज कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। जल संस्थान दफ्तर में जड़ा ताला। पगनो गांव लगातार गिर रहा मलबा, डर रहे हैं लोग। पुलिस करेगी रोडवेज बस की स्कैनिंग। जोशीमठ ब्लास्टिंग मामले में एनडीएमए में जाने में निर्देश। धनोरी क्षेत्र के जसवाला गांव में डेंगू का कहर, 20 संदिग्ध मरीज मिले। बुखार से जिले में 2 और मौतें। तो रुड़की से खबर आई है, बुखार से जिले में कहर बरपाया हुआ है। रविवार को जहां जिले में 2 और लोगों की मौत हो गई। आज पहुंचेंगे 107 पाकिस्तानी जायरीन। मनसा व चंडी देवी के भूस्खलन क्षेत्रों का किया गया सर्वे। हाईवे चौड़ीकरण की जद में आ रहे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। 2.5 साल में 1151 अपराधियों को पकड़ा गया। गंग नहर कोतवाल बने अमरजीत, मनीष हटाए गए। ताला तोड़कर जेवर नकदी उड़ाई। तो हरिद्वार से खबर आई है, नौकर ने दुकान से गाटर चोरी कर कबाड़ी को बेचे। फायरिंग के आरोप में युवक गिरफ्तार। तुड़की से खबर आई है, नौकरी का झांसा देने वाले गिरोह पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। दहेज में 5 लाख नहीं मिलने पर विवाहिता को पीटा। सिटकुल की राह आसान, 86 लाख से बनेगी सड़क। चार घंटे होता रहा गैस का रिसाव, ना पुलिस को भनक लगी ना प्रशासन को। तो लाल कुआं दुग्ध प्लांट में गैस रिसाव का मामला। आंखों में जलन, श्रमिकों के फेफड़े तक पहुंची अमोनिया। पानी की निकासी न होने की वजह से दरकी थी चटन लॉज की जमीन। कॉर्बेट पार्क की गोमती, कैनेडी व एरिस होंगे सेवानिवृत्त। जब्त किया फुटपाथ पर सजा सामान, तो 15 दुकानों का सामान और काउंटर उठा ले गई टीम। 2 होटल पर लगाया दादा सार का जुर्माना। पति सहित 4 पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। रेस्टोरेंट में परोस रहा था शराब, केस दर्ज किया गया। सड़कों पर पहली बार थिन वाइट का प्रयोग। तो देहरादून से खबर है, इन्वेस्टर समिट के लिए सड़कों का कायाकल्प शुरू हुआ। 20 साल तक सुरक्षित रहेंगी सड़कें। इंटर्न्स का कॉलेज में 3 माह व हॉस्टल में स्थायी निष्कासन हुआ। राजपाल वालिया पर 25,000 का इनाम लगाया। हरिद्वार और उधमसिंह नगर के 1305 लाभार्थियों को पीएम आवास मिला। छात्रवृत्ति के लिए 30 तक अनिवार्य रूप से करें पंजीकरण। उत्तराखंड के 7 जिले वेटलैंड घोषित हुई। हाथी ने बाइक तोड़ी, सवार को दौड़ाया। तो कोटद्वार से खबर है, कोटद्वार पुलिंडा मार्ग पर हुई घटना, वन कर्मियों ने हाथी को खदेड़ा। दून से लापता 2 लोगों के शव खाई में मिले। नयार नदी से बरामद हुआ शव। तो पापो स्थित नयार नदी में सर्च अभियान के तहत सोमवार को पुलिस, एडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने एक शव बरामद किया। टिहरी झील में 18 किलोमीटर तैरे पिता और बेटे। बद्रीनाथ धाम में धूमधाम से मनाया नारद उत्सव। जागतोली महोत्सव का 3रा दिन रहा किशन महिपाल के नाम। प्रोफेसर ओके बेलवाल कराएंगे विश्वविद्यालय छात्रसंघ का चुनाव। त्रियोगी नारायण में निसंतान दंपतियों ने रखा व्रत। टिहरी जिले का परिणाम जारी। तो पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी का परीक्षाफल 27 को होगा घोषित। 51 नशा तस्करों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है पुलिस। वहीं खबर है, लाल कुआं से दूध संघ के प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। गमले उठाने पर बहस, सिटी मजिस्ट्रेट ने फटकारा। नैनीताल के होटल में भिड़े रामपुर का प्रेमी और हल्द्वानी की प्रेमिका। तो सैर सपाटे को पहुंचे प्रेमी युगल ने शराब के नशे में होटल में हंगामा कर दिया। होटल संचालक व कर्मियों ने समझाने के बाद भी नहीं माने। पुलिस ने चालानी कार्रवाई करने के बाद दोनों को सज्जनों को सुपुर्द कर दिया। बहन को घर में घुसकर पीटा। भाई व भाभी समेत 3 पर मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तराखंड की 5 लाख बालिकाओं को जल्द लगेगा एच
पीवीआर का टीका, तो दिसंबर में होगी भारत सरकार की ओर से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीके की आपूर्ति। विश्वविद्यालय के डीएसबी परिसर की कमान महिला प्रोफेसर को, बेसारा मवेशी से भिड़ी कार, उड़े पर कच्चे बाल बाल बचे सवार, तो हल्द्वानी से खबर आई है। भीमताल में 60 प्रकाशकों की 60,000 किताबों का कौतिक, तो छात्राओं के लिए क्विज समेत कई प्रतियोगिताएं भी होंगी। ट्रक चोरी में आरोपित फरमान दबोचा गया। वहीं खबर यह है, जरूरतपुर से असलहों से लैस होकर दबंगों ने ट्रांजिट कैंप के युवकों को पीटा। बेसबॉल की स्टिक से पीट पीट कर युवक की निर्मम हत्या, तो युवक के उसके साथियों ने बेसबॉल स्टिक से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी, झाड़ियों में फेंक दिया। घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी उसकी बाइक और मोबाइल भी लूट ले गए। सूचना पर आनंद फानंद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि हत्या में शामिल 3 लोगों की तलाश में पुलिस जुट गई है। किच्छा में नाले में घुसी बाइक बालक की मृत्यु, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर जीटी स्कूल के नज़दीक हादसाग्रस्त बाइक हुई थी चोरी। बाजपुर में बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, दंपति घायल हो गए। दुर्घटनाग्रस्त बस चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाइक मोबाइल चुराने के 3 आरोपी धरे गए। 16 से 18 अक्टूबर के बीच होंगे साक्षात्कार, तो वन क्षेत्र अधिकारी भर्ती परीक्षा के सफल 146 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 16 से 18 अक्टूबर को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में होंगे। टंगड़क परीक्षा 5 अक्टूबर को, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टंगड़क परीक्षा 5 अक्टूबर को होगी। बायोमेट्रिक से ज्यादा भवन और दुकानें यूटी से मांगे 4 लाख रुपए, तो देहरादून से खबर आई है। छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बयान दर्ज किए गए। सावधान, उत्तराखंड में हर महीने 6 करोड़ की साइबर ठगी, तो प्रदेश भर में साइबर पोर्टल पर हर महीने दर्ज की जा रही है औसतन 1164 शिकायतें। मांगे पूरी नहीं होने पर शिक्षक संघ भड़का, तो राजकीय शिक्षक संघ ने वर्चुअल बैठक कर बनाई कार्यनीति। पॉलिटेक्निक भवन का लोकार्पण किया गया। 14 वाहन CG51 के चालन काटे। सिविल अस्पताल में बुखार पीड़ित मरीजों की भीड़ बढ़ी। रुड़की में मिले डेंगू के 7 मरीज। नौकरी के नाम पर 1.35 लाख रुपए ठगे गए। ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पर सिरदर्द बना जाम। पिता पुत्रों ने बगैर लाइफ जैकेट के झील में 15 किलोमीटर तैराकी की। बंगलों में रहने वाले अफसर बेघरों को देखने ना आए, तो दिन में खिलाते हैं, रात को होटल से खरीदना पड़ रहा है। खाना बनाने घर जाते हैं लेकिन भूख नहीं लगती। पंडित दीनदयाल ने बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। शादी का झांसा देकर छात्रा से दुष्कर्म, तो विकास नगर से खबर आई है। चरस तस्करी के आरोप में महिला गिरफ्तार की गई। 3 जिले 4 अस्पताल, फिर भी उखड़ रही बेटियों की सांसें। दूध संघ के लालकुआ प्लांट में अमोनिया का रिसाव हुआ। सड़कों पर दिन दहाड़े स्टंट कर रहे हैं लोग। अल्मोड़ा के लक्ष्य एशियन गेम्स के लिए चीन रवाना हुए। उत्तर प्रदेश के युवक की हत्या, रुद्रपुर के जंगल में मिला शव। हादसा, ब्रेक खराब होने के बाद भी दौड़ाई बस, डिवाइडर से टकराई, तो हल्द्वानी से खबर आई है। गर्भवती डॉक्टर का मामला शासन तक पहुंचा। हल्द्वानी में 3 बिजली घरों से दिन भर आपूर्ति ठप रही। भारत चीन सीमा पर पर्वतारोहियों ने खोजी एक नई झील, तो भारत चीन सीमा के पास पर्वतारोही दल को एक झील मिली है। झूला घाट के झूला पुल पर ताला लगवाकर अफसर ठेकेदार गायब हुए। बाराकोट की युवती प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी। पानी के लिए सड़क पर उतरे 84 के लोग। लापता के नहीं मिलने पर बिफरे लोग। नैनबाग में कार खाई में गिरने से 2 की मौत हो गई। इस जमाने में भी लैंप से उजाला कोई नहीं सुनने वाला, तो जनता बेबस, किसी को नहीं आ रहा तरस। BDC सदस्य, उनके पति सहित 3 पर झपटा तेंदुआ, तो टनकपुर चंपावत राजमार्ग के 8वें मील के पास किया हमला। समस्याओं का लगा अंबार, नहीं सुन रही है सरकार।